में आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी सुप्रीडेंट हुमायूं भट्ट अनंतनाग के गडोले जंगलों में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए। जब वह जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रहे थे, तब उन्हें अपने एक महीने बच्चे की याद आ गई। उन्होंने मासूम की एक झलक पाने के लिए अपने परिवार वालों को कॉल किया। भट्ट ने अपनी पत्नी फातिमा को वीडियो कॉल किया और कहा कि उनके जिंदा बचने की उम्मीद कम है। यह सुनकर फातिमा के होश ही उड़ गए और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के इस सीनियर अधिकारी को कई गोलियां लगी। लश्कर ए तैयबा की शाखा TRF के पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की गोलीबारी में वो पूरी तरह जख्मी हुए थे, जिससे उनका काफ़ी खून बह रहा था। यह एनकाउंटर भट्ट की शादी की सालगिरह से एक पखवाड़ा पहले हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक भट्ट ने वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी को बताया कि उन्हें नहीं लगता कि वो बच पाएंगे और कभी घर लौट सकेंगे। उन्होंने कहा, मैं शायद ना बचूं। अगर मैंने चोटों के कारण दम तोड़ दिया तो प्लीज़ हमारे बेटे का ख्याल रखना। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।